सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, गृह विभाग से बड़ी खबर है। प्रदेश की सीमाओं पर आवागमन नियंत्रित करने का आदेश लिया वापस। ये बहुत बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर इस वक्त। प्रदेश की सीमाओं पर आवागमन नियंत्रित करने का आदेश वापस लिया। 10 जून को गृह विभाग ने जारी किए थे आदेश। प्रदेश से बाहर जाने के लिए पास अनिवार्य होने के जारी किए गए थे आदेश। अब बिना पास के दूसरे राज्यों में जा सकेंगे लोग, ये जानकारी है अपडेटेड जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में आने के लिए नहीं होगी एनओसी की जरूरत, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर आपके लिए। और साथ ही हालांकि बॉर्डर चेक पोस्ट बने रहेंगे यथावत, ये कहा जा रहा है स्क्रीनिंग के उद्देश्य से चेक पोस्ट यथावत बने रहेंगे। ये बड़ी खबर है गृह विभाग से इस वक्त जो निकल के सामने आ रही है। इस 10 जून को जो गृह विभाग ने आदेश दिए थे वो वापस ले लिए गए हैं। प्रदेश से बाहर जाने के लिए पास अनिवार्य होने के आदेश जारी किए गए थे। अब बिना पास के दूसरे राज्यों में आप जा सकते हैं, इसके लिए आपको एनओसी की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। और साथ ही हालांकि बॉर्डर पर जो चेक पोस्ट हैं वो यथावत बने रहेंगे, और ये इसलिए क्योंकि स्क्रीनिंग का उद्देश्य है जिसके मकसद से चेक पोस्ट वहां पर यथावत रहेंगे। ये जानकारी है, ये अपडेट। प्रदेश की सीमाओं पर आवागमन नियंत्रित करने का आदेश वापस ले लिया गया। 10 जून को आपको याद होगा यह आदेश दिया गया था जिसमें कहा गया था कि आपके पास पास होना चाहिए, एनओसी की जरूरत आपको पड़ेगी अगर आप जाना चाहते हैं प्रदेश से बाहर। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपके पास अगर एनओसी नहीं भी है तो भी आप प्रदेश से बाहर जा सकते हैं। और आपके पास अनिवार्य हो, ये जो आदेश था उसको वापस ले लिया गया है गृह विभाग की तरफ से।